हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजर शंघाई से बेजिंग गया था, जहां पर उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। एंड देन एक दिन मियाँ मियाँ ने इसके बारे में लंजर से पूछा एंड उस दिन लंजर ड्रंक भी हो गया था। दिन ड्रंक हालत में लंजर ने विंग को एक मैसेज सेंड कर दिया। उसमें उसने लिखा था, आई मिस यू, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता। जब लंजर सोबर हुआ मिडनाइट को, तब उसने जब ये मैसेज देखा वो शॉक्ड हो गया था। वो जानता है कि विंग ने मैसेज सेंड कर चुका है, पर स्टिल उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। एंड देन जब विंग ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लंजर ने उसे एक एपोलॉजी मैसेज भेजा। उसके बाद उसने ये कहा कि विंग इस मैसेज के बारे में भूल जाए, तो विंग ने कहा भूल चुका हूँ। देन बहुत दिन बाद विंग ने लंजर को लिखा था कि वो भी उसे मिस करता है। ये देख के लंजर ने लिखा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो विंग ने कहा था कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड ये सुन के लंजर बहुत हर्ट हुआ था, उसका सारा होप टूट गया था। वो मूव ऑन नहीं करना चाहता था, पर वो विंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो विंग को फिर से परेशान नहीं करेगा, वो उससे मैसेजेस नहीं करेगा। अगर विंग उससे मैसेज करेगा तो इट्स ओके, बट लंजर खुद से नहीं करेगा, उसे भी मूव ऑन करने की कोशिश करनी होगी। ऐसे दिन बीते जा रहा था, तभी एक दिन अंकिल ने लंजर को इन्फॉर्म किया कि फिर से लंजर को शंघाई जाना होगा। ये सुनकर लंजर फ्रंट हो गया। उसने कहा, एक और ट्रिप इतनी जल्दी? अंकिल ने फ़ोन में कहा, हाँ, लॉन्च के वक्त शंघाई के टीम को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। लंजर ने कहा, बट बेजिंग ब्रांच को भी तो मेरी ज़रूरत है ना? अंकिल ने कहा, हाँ, बट अभी के लिए वो लोग हैंडल कर लेंगे, पूरा लॉन्च शंघाई में हो रहा है, सो तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। अंकिल ने लंजर को ये क्लियरली नहीं बताया कि लंजर को शंघाई में कितने दिनों के लिए रुकना होगा, उन्होंने बस जाने के लिए कह दिया। बेसिकली लॉन्च 2 हफ्ते बाद होने वाला है, तो अभी लंजर को सिर्फ 1-way टिकट ही बुक करना है। एंड देन अगेन लंजर शंघाई आ गया। फिर से शंघाई आने के बाद उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा था। वो फिर से विंग के साथ एक ही सिटी में है। ब्रेकअप के बाद वो बहुत बार शंघाई आ चुका था, बट उस टाइम में वो एंड विंग आमने सामने नहीं हुए थे, बट इस बार वो लोग आमने सामने हो चुके थे, तो इसलिए इस बार शंघाई आके लंजर को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। उसे याद आया कि विंग ने कहा था हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट स्टिल लंजर उस कन्वीनियंस स्टोर फैमिली मार्ट में चला गया। लंजर ने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि वो विंग से कांटेक्ट नहीं करेगा, एंड उसने वही किया। उसने विंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया उस दिन के बाद से, और ना ही विंग ने उससे कांटेक्ट किया था। एंड ऑफ कोर्स लंजर अब ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। अब वो ऑफ कोर्स विंग को ये इन्फॉर्म नहीं करेगा कि वो यहाँ पर वापस आ गया है एंड वो उससे मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है। इनफैक्ट लंजर ने एक बार फ़ोन को ओपन भी कर लिया था, पर उसने अपने आप को रोक लिया। उसने ठान लिया कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। एनीवेज वो फिर से फैमिली मार्ट में चला गया। एंड अगेन वहाँ पर एक बोर्ड रिसेप्शनिस्ट था, जो पिछले टाइम भी था। सब कुछ सेम था सिवाय विंग के। इस बार फैमिली मार्ट में विंग नहीं था, जो कि ऑफ कोर्स नॉर्मल है, बट स्टिल लंजर को बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। बट एनीवेज उसने एक आइस टी खरीदा एंड वो वहाँ से निकल गया। वो अपने लगेज लेके ही काम पे चला गया, जहाँ पर वो अपने भाई से मिला। एंड लंजर को देखकर जेवजन बहुत ही हैप्पी हो गए थे। उन्होंने कहा, आजान आजान, इस बार तुम जल्दी वापस आ गए हो, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। देन लंजर एंड जेवोचुन ने एक साथ काम किया। काम करते वक्त लंजर बहुत ही रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि काम करते वक्त उसे विंग की इतनी याद नहीं आ रही थी। वो अपने काम में फोकस कर रहा था। उसे फिर से भाई के पास आकर, अपने घर आकर अच्छा लग रहा था। हाउएवर जैसे ही काम खत्म हुआ, लंजर के थॉट्स फिर से विंग तक चला गया। उसका मूड फिर से ऑफ हो गया। एंड शायद जेवोचुन ने इस चीज़ को नोटिस किया था, तो उन्होंने अपने भाई को आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया। उन्होंने कहा, आज मिंगजुए कुकिंग कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है। ये बोल के जेवोचुन ने स्माइल किया। जेवोचुन ने कहा, तो क्यों ना तुम आज रात हमें डिनर पे ज्वाइन करो। लंजर सोच रहा था कि वो मिंगजुए से मिल चुका है। ये बहुत साल पहले की बात है, तब लंजर शंघाई में रहा करता था, पर तब जेवोचुन एंड मिंगजुए डेट नहीं करते थे, वो दोनों दोस्त थे। उन लोगों ने डेटिंग तब स्टार्ट किया था जब लंजर बेजिंग शिफ्ट हो गया था।
तो आज लंचा बहुत सालों बाद मिंगजुए से मिलने वाला है, वही इंसान जो उसके भाई को हमेशा हैप्पी रखता है। लंचे को पता है कि मिंगजुए बहुत ही अच्छा इंसान है, तो लंचा ने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है। एंड ऐसा ही हुआ, लंचा शाम को जेवजुन के घर चला गया। उन लोगों ने एक साथ डिनर किया एंड एज अ रूल उन लोगों ने डिनर करते टाइम बात नहीं किया। दिन डिनर के बाद वो लोग लिविंग रूम पे थे, वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। निमिंगजुए बियर पीते हुए जेवजुन के साथ बात कर रहे थे। एक्चुअली वो लोग काम को लेकर बात नहीं कर रहे थे, इसलिए लंचा उनके कन्वर्सेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो वो वहाँ पर ही चुपचाप बैठा हुआ था। बात करते हुए निमिंगजुए ने अपने एक हाथ को जेवजुन के नीस पर रखा। ये देख के जेवजुन ने स्माइल किया। उन दोनों को देख कर ही लग रहा था कि वो दोनों कितने कम्फर्टेबल है। एंड उन दोनों की इंटीमेसी देख के लंचा ने अपने आइज को टर्न कर लिया। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि 3 सालों में उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसने ये इंटीमेसी बहुत मिस किया है। इनफैक्ट वो अभी भी मिस कर रहा है। फाइनली अब जाने का टाइम हो गया। जब लंचा अपने जूते पहन रहा था, जेवजुन ने कहा तुम कल भी हमें डिनर पे ज्वाइन कर सकते हो। लंचा ने कहा थैंक यू, बट मैं ऐसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जेवजुन ने कहा आजान पागल मत बनो, तुम फैमिली हो। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लंचा हर दिन की तरह अर्ली मॉर्निंग रनिंग करने गया था। जब वो वापस आया उसके फ़ोन में एक मैसेज आया एंड वो मैसेज अनएक्सपेक्टेडली विंग का था। विंग ने लिखा था तुम शंघाई वापस आए हो। एंड विंग के मैसेज देखते ही लंचा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो डम्बली मैसेज को देखने लगा। वो बहुत ही सरप्राइज था ये देख के कि इतने अर्ली मॉर्निंग को विंग ने उसे मैसेज किया है। लंचा सोच रहा था विंग इतने अर्ली मॉर्निंग को जगा कैसे है। तभी लंचा को याद आया कि अब विंग के साथ एक बच्चा भी रहता है, तो ऑफ कोर्स उसके बेटे के लिए विंग को जल्दी उठना पड़ता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विंग को कैसे पता चला कि लंचा शंघाई वापस आया है। बट एनीवेज उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने मैसेज किया हाँ मैं कल ही आया हूँ। ये मैसेज करके लंचा नहाने के लिए चला गया। उसने एक हॉट एंड कम्फर्टेबल शावर लिया। नहा कर आने के बाद उसने फिर से अपने फ़ोन को चेक किया एंड फोन में विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था ओके बस इतना ही, इसका कि विंग ने और कुछ भी नहीं लिखा था। ये देख के लंचा फिर से डिसअपॉइंटेड हो गया। वो सोच रहा था कि उसने फिर से होप किया था। विंग ने ऑलरेडी अपने आप को क्लियरली बता दिया था कि उसके इंटेंशन क्या है, वो मूव ऑन करना चाहता है, तो लंचा फिर भी होप क्यों कर रहा था। जब विंग इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो लंचा के पास भी और कोई हक नहीं है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का और पुश करने का। एनीवेज वो रेडी होकर काम पे चला गया। ऑफिस जाते वक्त उसने अपने लिए ब्रेकफास्ट खरीदा एंड तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया एंड वो विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था ओके सो आईवन आज अपने कजन्स के घर पे रहने वाला है, आज उनका स्लीप ओवर नाइट है, तो क्या तुम डिनर करना चाहोगे। लंचा वॉक करते हुए शॉप पे जा रहा था अपने लिए ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए, बट विंग के मैसेज देखते ही लंचा वहाँ पर ही रुक गया। विंग का मैसेज देख के उसके अंदर इमीडिएट रिप्लाई आया, ऑफ कोर्स वो यही तो चाहता था। बट ऑफ कोर्स उसने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि ये लिखना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो उसने लिखा हाँ ये अच्छा आइडिया है। एंड लंचा के इस मैसेज के बाद विंग ने लंचा को एक रेस्टोरेंट का लिंक सेंड किया। लंचा ने चेक किया तो लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ये एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो कि नानजिंग रोड पे है एंड इस रेस्टोरेंट पे बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है एंड ऑफ कोर्स लंचा वेजिटेरियन है। लंचा को ये देख के अच्छा लगा कि विंग अभी भी लंचा के लिए इतना केयर तो करता है कि उसने उसके लिए एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढा है। लंचा ने मैसेज किया कौन सा टाइम तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा। विंग ने लिखा 7 बजे। लंचा ने लिखा परफेक्ट, दिन 7 बजे मिलते हैं। एंड देन लंचा काम पर चला गया। काम में जेवजुन ने उसे ऑफ़र किया था रात के डिनर के लिए। उसके साथ साथ जेवजुन ने यह भी कहा कि वो लोग रात को सिटी के आसपास घूमने जाएंगे। बरकपुर्स लंचा के पास एक और प्लान है, तो लंचा ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ये देख के जेवजुन ने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, उन्होंने वैसे सिंसियर लुक दिया एंड नोट किया। आज उनके ऊपर बहुत सारा वर्क प्रेशर था, तो लंचा 6 बजे तक ऑफिस में ही था। ऑलरेडी 6 बज चुके थे एंड वो एंड विंग 7 बजे मिलने वाले थे, तो लंचा के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। बट वो एनी हाउ अपने घर गया फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है, वो बहुत ही पेल दिख रहा है। वो यही सोच रहा था
कि क्या विंग उसे देख के समझ जाएगा कि लंजा को पिछली कुछ रात से नींद नहीं आई थी। पहले विंग समझ जाता था, लंजा को नहीं पता कि अब विंग समझेगा या नहीं। बट एनीवेज, वो रेडी होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। वो रेस्टोरेंट में पहुंच गया, अभी तक विंग नहीं आया था तो वो अपने सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक वार्म टी सर्व किया एंड वो उसे ही पीने लगा। देन वो मेन्यू को देखने लगा एंड मेन्यू देखते हुए वो कंटिन्यू अपने फूड को टैप किए जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा कर रहा है। वो तब रुका जब उसे अपने सामने विंग दिखा, विंग जो कि उसके पास ही आ रहा था। विंग को देखने के बाद लंजन अपने हाथ को ऊपर किया उसे ग्रीट करने के लिए, बट उसे रियलाइज हुआ कि वो ये क्या कर रहा है, तो उसने अपने हाथ को वहाँ पर ही रोक दिया। फाइनली विंग लंजन के पास आकर बैठ गया। एक हॉस्टेस ने कहा कि उनके पास वेटर बहुत जल्दी आएंगी, ये बोल के हॉस्टेस चली गई। देन विंग वहाँ पर बैठ के लंजन को देखे बिना ही अपने लिए चाय सर्व करने लगा। देन उसने एक ही बार में चाय को पी लिया जैसे कि वो अल्कोहल पी रहा है। देन उसने फिर से अपने लिए चाय सर्व किया। लंजन बस उसके हाथ को ही देख रहा था, उसके मूवमेंट को देख रहा था, उसका बॉडी तड़प रहा था विंग को एक बार टच करने के लिए, उसके हाथों को किस करने के लिए। देन कुछ टाइम बाद विंग ने केयरफुली कहा, तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनते लंजन ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, वो लॉन्च की वजह से यहाँ पर मेरा ज़रूरत है। विंग ने कहा, ओके। ये बोलते हुए विंग अपने कप को अपने हाथों में ट्विल करने लगा। उसने पूछा, तुम कहाँ पर ठहरे हो? लंजन ने उसे अपना एड्रेस बताया कि वो किस होटल में रह रहा है। देन उसने कहा, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं वहाँ पर ही रुकता हूँ। ये सुनकर विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, तो अपने भाई या फिर अंकल के साथ नहीं रुकते? लंजन ने कहा, मैं अपने भाई को प्राइवेसी देना पसंद करता हूँ एंड अंकल ने इतने सालों में बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, इंसिस्ट भी किया था कि मैं उनके साथ रुकूं, बट मैं होटल में रहना ही प्रेफर करता हूँ। बट मैं अंकल से मिलता हूँ डिनर एंड इवेंट्स में, दैट्स इट। ये सुनकर विंग को बहुत ही स्ट्रेंज लगा। उसने स्ट्रेंजली लंजन की तरफ देखा। कुछ टाइम के लिए उसने कुछ कहा नहीं। देन कुछ टाइम बाद लंजन ने केयरफुली पूछा, विंग तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शंघाई आया हूँ? ये सुनकर विंग ने हंसा, उसने टेबल की तरफ देखा और कहा, निये हुआ संग, आई थिंक उसके भाई ने उसे मेंशन किया था कि तुम लोगों ने एक साथ डिनर किया है एंड देन तुम उसे जानते हो, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। लंजन ने कहा, ओ आई सी। लंजन कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली नियोसिन के लिए ग्रेटफुल था। देन विंग ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। विंग ने कहा, तुम जहाँ पर रुके हो उस होटल में एक अच्छा सा बार है, मैं वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ। ये सुनकर रंजन ने सिर्फ हूँ कहा, क्योंकि रंजन को पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। रंजन के रिएक्शन देख के विंग ने हंसा एंड अपने हेड को शेक किया। विंग ने अपने हाथों की तरफ देखा एंड कहा, लंजा मैं अपने आपको वहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ। ये सुनते रंजन ने विंग की तरफ देखा, सरल उसके अंदर होप जाग गया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, क्या सच में? विंग ने रंजन की तरफ देखा और कहा, हाँ सच में, मैं उस बार में ड्रिंक करना चाहूँगा, तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो? लंजा ने कहा, बट मैं। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे कंपनी देना। ये सुन के लंजा सोच रहा था, क्या वो लोग सिर्फ ड्रिंक करने जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? लंजा नहीं जानता था तो उसने कहा, ऑफ कोर्स। एंड देन वहाँ पर वेटर आ गई। विंग ने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किया एंड ड्रिंक्स के नाम सुनते लंच को याद आ गया उसके हैंगओवर के बारे में जब उसने विंग को मैसेज किया था। देन ड्रिंक्स के साथ साथ उन लोगों ने अपने लिए सुशी एंड कुछ और खाना ऑर्डर किया। देन वो वेटर वहाँ से चली गई। अब लंजन विंग अकेले थे। विंग ने कहा, तो ये एक एडल्ट इवनिंग है, बहुत टाइम बाद मैं ऐसा इवनिंग स्पेंड कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद लंजन ने पूछा, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ। लंजन एक्चुअली डिस्परेटली बोलना चाहता था कि तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, बट लंजन ने ऐसा नहीं कहा। लंजन एक क्वेश्चन सुन के विंग ने लंजन की तरफ देखा एंड वो अपने हाथों में अपने कप को ट्विल करने लगा। उसने लंजन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? लंजन ने ऑनेस्टली कहा, तुम जो भी शेयर करोगे मैं वही सुनना चाहूँगा, मैं सिंपली तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ।
तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बेटे के बारे में एंड सब कुछ। यह सुनकर वीन ने रंजन की तरफ ध्यान से देखा। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगा। देन वीन ने कहा, वेल आई डोंट नो रंजा, आई मीन मेरा पूरा लाइफ सिर्फ मेरा बेटा है। आई मीन मैं वर्क भी करता हूँ, गलत मत समझना, बट अभी मेरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बेटा है, यू नो। ये सुनकर रंजन ने नोट किया। वो यही होप कर रहा था कि उसका ये रिस्पॉन्स इनकरेजिंग हो। देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो सीट पे लीन हो गया। उसने कहा, आई गेस ये सब बहुत ज़्यादा है, आई मीन एक पेरेंट बनना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं लकी हूँ कि जब मैंने आयोन को एडॉप्ट किया था तब वो एकदम इन्फेंट नहीं था, तब वो थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका था। उसे अपना काम खुद से करना आता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट यू नो व्हाट, उसने बहुत लोगों को खोया है तो वो बहुत ट्रॉमाटाइज्ड है। उसे कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं, वो कभी कभी सैड हो जाता है। उसका नेचर स्वीट एंड हैप्पी है, बट कभी कभी वो बहुत ही सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यू नो व्हाट, वो एक होल एडल्ट पर्सन की तरह है। ये सुनकर लंजन ने नोट किया। उसने कहा, वो वंडरफुल है। ये सुनकर वीन ने बिग स्माइल किया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो सच में वंडरफुल है। अगर मैं उससे क्रेजीली प्यार नहीं करता तो शायद मैं उसके लिए इतना कुछ कर भी नहीं पाता। वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वेट्रेस आ गई। उन्होंने उनके लिए दो कप्स एंड एक वाइन लेकर आई थी। उन्होंने कहा, आपका फूड बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। वो दोनों फिर से अकेले थे। लंजन ने केयरफुली कहा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि एक सिंगल फादर होना कितना चैलेंजिंग है। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड वो अपने लिए ड्रिंक सर्व करने लगा। उसने लंजा को ऑफर नहीं किया क्योंकि उसे लंजा के बारे में पता है कि लंजा ड्रिंक नहीं करता। देन विंग ने एक ही बार में एक कप ड्रिंक पी लिया। उसने कप को टेबल में रखा। देन कहा, वेल मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, आई मीन मेरे लिए उसको एडॉप्ट ना करना इम्पॉसिबल था। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। आई गेस मैं ऑलरेडी, आई डोंट नो, आई थिंक मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि वो मेरा बेटा है। मैंने उसे ऑलरेडी अपना मान लिया था। ये बोलकर विंग ने फिर से एक ड्रिंक लिया। उसने कहा, ये इजी नहीं है बट ये राइट डिसीजन है। एंड देन वो बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा एंड देन उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंजन जानता है कि विंग सही कह रहा है बट फिर भी उसने कहा, अभी इसके लिए बहुत टाइम है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम मुझे क्रेजी करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर रंजन ने कहा, ओ नो ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो। तभी विंग ने कहा, लंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैं बस अपना को यही समझाता हूँ कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा एंड देन वो टायर होने की वजह से या फिर मेरे इंसान होने की वजह से गुस्सा नहीं करेगा। ये सुनकर रंजन ने कहा, क्या ये ऑफनली होता है? विंग ने कहा, हाँ आई गेस। देन उनका फूड आ गया एंड वो लोग अपने फूड में बिजी हो गए। खाते हुए रंजन को रियलाइज हो रहा था कि इससे पहले वो जब भी शंघाई में खाना खाता था उसे खाना इतना टेस्टी नहीं लगता था, उसे बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ही अजीब लगता था, बट आज बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तभी विंग ने रंजन को एक वेजी रोल दिया और कहा, इसे ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा है। रंजन ने कहा, थैंक यू। उसने ट्राई भी किया। देन रंजन ने कहा, ये बहुत ही डिलीशियस है। देन लंजन ने भी विंग को एक क्यूकम्बर रोल ऑफर किया और कहा, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। एंड विंग ने भी वही किया। उनका मील अच्छा गया एंड खाना खाने के बाद विंग चेयर पे लीन हो गया एंड हंसने लगा। उसने कहा, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है, स्टफ्ड हो चुका है, ये फूड कितने अच्छे थे। लंजन ने कहा, थैंक यू सो मच इस प्लेस को चूज़ करने के लिए। ये सुनकर विंग ने लंजन को एक लुक दिया। लंजन को समझ में नहीं आया कि विंग ने ऐसा लुक क्यों दिया। देन विंग ने कहा, एक डेट मुझे यहाँ पर लेकर आया था, वो भी वेजिटेरियन था। ये सुनते लंजन को अंदर ही अंदर अजीब फील हुआ, थोड़ा सा पेन फील हुआ। उसने अपने आप को समझाया कि उसे विंग के ऊपर कोई हक नहीं है, उसे जेलस होने का कोई हक नहीं है। लंजन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो वो चुप ही रहा। विंग ने कहा, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक इडियट निकला। वो कंटिन्यू अपने बारे में ही बात किए जा रहा था। ये बोलते हुए विंग ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, आयोन को एडॉप्ट करने से पहले मैं ऐसे ही कुछ
डिस्परेशन डेट्स में जा चुका हूँ। ये सुनकर रंजन ने पहले कुछ कहा नहीं, उसने एक डीप ब्रेथ लिया, देन उसने कहा एंड उसके बाद विंग ने कहा, जैसे कि मैंने कहा था कि सिंगल डैड्स को कोई डेट करना पसंद नहीं करता। दिन इसके बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, एंड वैसे भी मेरे पास टाइम भी नहीं है, सो इट्स रियली आई मीन इट्स फाइन। लंजन ने कहा, तुम ज़रूर लोनली फील करते होगे। लंजन को खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। ये सुनते ही विंग ने लंजन को शार्पली पूछा, और तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम किसी को अभी डेट कर रहे हो, एंड तुम्हारे साथ तो कोई चाइल्ड भी नहीं है। ये सुनकर रंजन ने अपने आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा, नहीं मैं अभी डेट नहीं कर रहा। विंग ने पूछा, क्या तुम लोनली फील नहीं करते? लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ। ये सुनते विंग ने लंजन की तरफ लॉन्ग टाइम तक देखा, एंड देन उसने अपने आइस टर्न कर लिया। विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। लंजन को लगा कि ये अल्कोहल की वजह से है या फिर कोई और रीज़न होगा। तभी विंग ने कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोल के विंग वॉशरूम की तरफ चला गया। लंजन वहाँ पर ही फ्रोज हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी भी एक्चुअली हुआ क्या। वो लोग बातें कर रहे थे, बट अचानक से क्या हो गया जो विंग ऐसे चला गया? शायद लंजन को इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहिए था, आई मीन डेटिंग रिलेशनशिप। लंजन ने डिसाइड किया कि जब विंग वापस आएगा वो सब्जेक्ट को चेंज कर देगा। बहुत टाइम हो गया, विंग वापस नहीं आया। लंजन कंटिन्यू अपने फूट को टैप किए जा रहा था एंड वो कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर विंग आया एंड चेयर पे आकर बैठ गया। उसने कहा, वेल, उनकी आवाज़ सुनते लंजन अपने थॉट से बाहर आया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जोन आउट हो चुका था। विंग ने कहा, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। तुम्हारे होटल का बार अच्छा आइडिया है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर अगर तुम मेरे साथ कंपनी देना चाहोगे तो। तभी लंजन ने ऑटोमेटिकली कहा, ऑफ कोर्स। देन लंजन ने कहा, बट हमने अभी तक बिल पे नहीं किया है। ये सुनकर विंग ने एक बिग स्माइल किया, एंड ये स्माइल देखते ही लंजन का ब्रीथिंग रुक गया। अब विंग एक्चुअल विंग दिख रहा था, वही पुराना विंग जिसे लंजन बहुत मिस करता है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, वो सब हो गया है। ये सुनकर लंजन ने कहा, विंग क्यों? विंग ने कहा, तुम एक गेस्ट हो, ये रेस्टोरेंट मेरा चॉइस था, तो ये ट्रीट भी मेरा है, अब चलो। लंजन ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, डोंट मेंशन इट। देन लंजन ने कैब बुक किया होटल जाने के लिए। हालांकि होटल पास में ही था, वो लोग चलकर भी जा सकते थे, बट लंजन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, एंड विंग ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। वो लोग होटल में पहुंच गए। वो लोग होटल के बार में गए। होटल का बार अभी हाफ एम्प्टी था। उन लोगों ने अपने लिए एक स्पॉट चूज़ किया एंड वो लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए। विंग ने अपने लिए एक विस्की ऑर्डर किया एंड लंजन ने अपने लिए एक सोडा वाटर। विंग ने लाउडली कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी बाढ़ में हूँ। सीरियसली कितने टाइम बाद मैं आ रहा हूँ? लंजन ने कहा, क्या तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते? विंग ने कहा, ओकेजनली हुआ संग मुझे लेकर जाता है जब आयुवान अपने कजन के साथ रहता है, बट एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर बार में आ रहा हूँ। ये एक अच्छा ट्रीट है। ये बोलते हुए विंग बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, बहुत रिलैक्स दिख रहा था। लंजन ने अपने हाथ को टेबल के ऊपर रखा, देन अपने चिन को अपने हाथ में, एंड देन वो विंग को ही दिखने लगा। उसने कहा, हाँ। विंग ने लंजन की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ही टायर्ड दिख रहे हो लंजन, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? क्या हमें जाना चाहिए? लंजन ने इमीडिएटली कहा, नहीं मैं हैप्पी हूँ कि हम यहाँ पर हैं। लंजन ऑलमोस्ट बोलने वाला था कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। विंग ने लंजन को ध्यान से देखा, देन विंग ने कहा, क्या सच में? सडनली लंजन को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, उसे बहुत ही अनकवर्ड फील हो रहा था, बट एनीवेज उसने अपने आप को समझाया कि वो ऑलरेडी सब कुछ खो चुका है, उसके पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो उसने ऑनेस्टली कहा, हाँ। ये बोलते हुए वो विंग के आइस की तरफ देखने लगा। देन विंग अपने चेयर को लेकर लंजन के थोड़ा क्लोज आया। उन दोनों के नीज टच कर रहे थे। विंग ने कहा, गुड। तभी वहाँ पर बारटेंडर आई एंड उन्होंने उन दोनों के ड्रिंक्स वहाँ पर सर्व किया। लंजन ने बारटेंडर से कहा,
प्लीज़ इसका बिल होटल के रूम के साथ ही चार्ज कर लेना। थैंक यू। बार्टेंडर ने पूछा, रूम नंबर? लंजा ने कहा, 914। बार्टेंडर ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से चली गई। विंग आई भी लंजा के बहुत ही क्लोज ही था, उन दोनों के नीज अभी भी टच कर रहे थे। लंजा को लग रहा था कि उसका ब्रीदिंग जैसे रुक रहा है। तभी विंग ने कहा, वेल थैंक यू, देन ये तुम्हारी तरफ से एक ट्रीट हो गया है। लंजा ने नोट किया। देन उन लोगों ने बातें किया। विंग ने मोस्टली आयुन के बारे में ही बात किया। विंग बात कर रहा था, लंजा सुन रहा था एंड वो विंग को ही देख रहा था। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने विंग को कितना मिस किया है। उसकी आईज, उसकी वॉइस, उसकी टच, उसकी बातें। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि विंग कितना चेंज हो गया है। पहले की विंग को किसी भी चीज़ पे डर नहीं था, बट अब एक पेरेंट होने के बाद विंग के अंदर कोई ना कोई डर रहता है। फाइनली विंग ने पूरा कॉकटेल पी लिया एंड देन वो खड़ा हो गया। ये देख के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि हो गया है, आज का दिन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अब वो लोग अपने अपने घर पर चले जाएंगे। शायद विंग बहुत ही टायर्ड है, लंजा यही सोच रहा था। तभी विंग लंजा के बहुत ही करीब आया। उसने कहा, 9th फ्लोर? हाँ। लंजा समझ गया कि विंग उसके रूम के बारे में बात कर रहा है। वो दोनों बहुत ही करीब थे, लंजा का ब्रीथिंग भी रुक रहा था। उसने क्वाइटली कहा, हाँ। विंग और भी करीब आया। उसने कहा, वेल तुम मुझे इन्वाइट नहीं करोगे? वो दोनों इतना करीब थे कि लंजा विंग के ब्रीथिंग भी सुन पा रहा था, उसके ब्रीथिंग को फील कर पा रहा था। एंड लंजा जानता है कि ड्रिंक करने के बाद भी विंग सोबर है, वो ड्रंक नहीं है। तो लंजा ने कहा, हाँ प्लीज़ मेरे साथ आओ। ये सुन के विंग ने एक स्मिर्क की और कहा, ओके लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।